बोले शंकर भगवान की जय। बोले सबसे पहले आपको बहुत बहुत प्रणाम है, आपकी भक्ति को और आपकी शक्ति को बहुत प्रणाम है। तो भैया सबसे पहले बता दीजिए आपका ग्रुप आया कहाँ से? ये कालका पंचकुला से ही। हाँ जी पंचकुला पंचकुला से आप लोग आए। तो भैया आपके कितने मेंबर है? 150 के आसपास। 150 के आसपास है, क्या बात है। तो भैया जी मुझे आप सबसे पहले ये बताइए, जो आपने ये कांवड़ बनाई है ना, हाँ जी, ये कांवड़ इनक्रेडिबल है। इसको हम कांवड़ नहीं बोल सकते, इसे हम बोल सकते इस बार 2024 का सावन का हाहाकार बना दिया आपने। हाँ जी। तो भैया ये सबसे पहले बताइए, ये कांवड़ की आपकी कितनी फीट की आपने कांवड़ बनाई है? ये है जी कोई अगर कांवड़ लाए तो 250 फुट है। 250 फुट है। हाँ जी। और डीजे भी लागे तो हो जाएगा 100 फुट और लगा लो। 300 क्रॉस। हाँ जी 300 क्रॉस है। हाँ जी 350। क्या बात है। तो भैया सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि आपने जो इतनी भक्ति का अपना दिखाया, इसके पीछे आपका मोटिव क्या, मतलब उद्देश्य क्या है आप सभी का? जी उद्देश्य है हमारा धर्म है, हमने शिव जी के लिए जल चढ़ाना है। क्या बात है। और जैसा कि हम देख रहे हैं आपने सबसे पहले महाकाल के यहाँ पर झांकी लगाई है, फिर हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, उसके बाद आपने श्री राम दरबार के यहाँ पर बहुत सुंदर झांकी किया है। तो भैया आपके पूरे सेटअप में सबसे पहले बजट कितना आया होगा? ये कोई 18 से 20 लाख रुपए जी। 20 लाख रुपए लग चुका है? 18 से 20 के लगभग। तो मेरा कहना ये गलत नहीं होगा कि इस समय हरिद्वार की सावन की सबसे एक्सपेंसिव और सबसे बड़ी कांवड़ आपने ही रिकॉर्ड बनाई है। हाँ जी, हाँ जी। तो भैया आप इसके बाबा से आपने मांगा क्या इसके इतना बड़ा उद्देश्य? कुछ नहीं मांगा, भगवान ठीक रखे सबको। सबको ठीक रहे। हाँ तो इतने से मांगा है? हाँ जी। इससे बड़ी लेंगे करके और इससे अच्छी और सुंदर है। क्या बात है। हमारा जैसे एक सब मिलजुलते रहे, लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो। तो भैया देखिए ये शक्ति सिर्फ हमारे सनातन धर्म में ही देखने को मिलती है, लेकिन आजकल के जो पढ़े लिखे जो बुद्धिमान ज्यादा लोग हैं ये वो सब कहते हैं ये सब वेस्टेज है, ढोंग है, पाखंड है, शक्ति है, सब कुछ है इसमें। उनके लिए क्या कहना चाहिए आप? हाँ जी जो ज्यादा पढ़े हुए लिखे लोग है ना वो अपनी सोच है जी, बहुत अच्छा है सनातन में, शक्ति है इसमें, सब कुछ है बिल्कुल। तो लेकिन भैया मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ, सारे पढ़े लिखे हैं हमारे में, आप सभी के माता पिता को बहुत प्रणाम करता हूँ कि जैसे आपने सुपुत्र को जन्म दिया है और आपने इस बार हरिद्वार की रौनक लगा दी, क्योंकि हम देख रहे थे बहुत देर से यहाँ पर आपके साथ ना जाने कितनी भीड़ आपने जुटा दी थी इसको देखने के लिए। तो आप हर साल इसी समय यहाँ पर आते हैं? हाँ जी हाँ जी हर साल आते हैं। तो इस बार आपने 300 प्लस किया, अगली बार क्या आते हैं? देखो जो भोलेनाथ करवाएगा 5-10-20 फुट और। अच्छा तो भैया आपका कितना किलोमीटर का है सफर रहने वाला है? देखो 280 और कितने दिन में आप पहुंच जाएंगे? हम 1 तारीख को पहुंचेंगे। 1 तारीख को पहुंच जाएंगे पंचकुला। हाँ जी पंचकुला। तो बाबू जी इस कांवड़ का वेट कितना होने वाला है टोटल मिला के? 2-3 टन हो गए। 2-3 टन इसका वेट है? 35 क्विंटल। क्या बात है। अच्छा बाबू जी ये खींचने के लिए आपने कौन सी गाड़ी का यूज किया है? किसी गाड़ी अपने आप खींच के लेके जा रहे हैं जी। क्या बात कर रहे हैं आप? लेके जाएंगे। सीरियसली? हाँ जी हाँ जी। अपने आप खींचेंगे? अच्छा अपने आप लेके जाएंगे। 35 क्विंटल आप अपने आप से खींचेंगे? अपना हर बार लेके जाते हैं खींच के। भैया जी मेरे पास इससे आगे कोई शब्द नहीं है आपके लिए, आपकी भक्ति के लिए। 100 बोले खींच लेंगे है ना। 100 प्लस प्रणाम है भैया, मेरे पास कोई शब्द नहीं इससे ज्यादा। दोस्तों देख लीजिए 35 क्विंटल अपने हाथ से खींचेंगे, कोई साधन नहीं है लगा और पीछे कम से कम क्या बोले दोस्तों 300 फीट की एक कांवड़ इस समय भैया लोग पूरे अपने हाथ से खींचने वाले हैं पंचकुला तक। अच्छा भैया सब एक बार ना थोड़ा सा ये बता दीजिए आप लोगों का प्रोफेशन क्या है, आप लोग करते क्या है? प्रोफेशन हम सब काम करते हैं, बिजनेस है सबका, अपना अपना बिजनेस वाले हैं बिजनेस है सबका लग। सबसे बड़ी बात है कि आपने भक्ति में खर्च किए हैं। नहीं ठीक है, ये हमारा संघ है पुराना कालका से, हमारे लाला जी हैं के रहा महादेव संघ। कब से चल रहा है? कितने साल टाइम से? 24 साल से। 24 पहले साल पे जिसने चलाया उसके बाद आपने इस परंपरा को जारी रखा? हमारे चला रहे हैं इसको गोयल साहब चला रहे हैं। गोयल साहब क्या बात है। तो भैया आपको बहुत बहुत प्रणाम है, आपकी भक्ति में प्रणाम है और निवेदन करेंगे दोस्तों आप इस वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, सनातन धर्म के लिए शेयर कीजिएगा, हमारे इन भक्तों के लिए शेयर कीजिएगा जिन्होंने इस बार पूरे हरिद्वार का ही माहौल चेंज कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में भी 300 फीट की झांकी है, उसमें सनातन धर्म का ऐसा प्रचार प्रसार कीजिए कि सनातन धर्म सत्य है, सत्य है और सत्य ही रहेगा। भैया आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम है अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रात के इस समय 1 बज रहे हैं, 1 बजे Oh!